हैं, हम अर्थ में मुकद्दस के जरी शेर जमा हैं। मोहतरम साधक राम और मेरे अजीज साथियों, अस्सलाम वालेकुम। आज मेरी तकरीर का उनवान है, अफराद के हाथ में है कुआम की तकदीर। मैं अपनी तकरीर इस शेर से शुरू करना चाहूंगी, अफराद के हाथ में है कुआम की तकदीर, अफराद के हाथ में है कुआम की तकदीर, हर फर्द के मिल्लत के मुकद्दर का सितारा। जनाबे आला, जनाबे आला किसी भी फर्द की बिना कोई अहमियत नहीं, क्योंकि अफराद से मुआशरा मुआशरत तहरी कौमें बनती है। फिर चाहे वो मुसलमान हो या हिंदू हो, वो ईसाई हो या फारसी हो, इन तमाम अकवाम के लिए इनका अफराद की बहुत बड़ी अहमियत होती है। जनाबे आला, जनाबे आला कोई भी कौम इस वक्त तक तरक्की याफ्ता कौम नहीं कहला सकती जब तक कि इसका फर्द भरपूर मेहनत और दिल लगाकर काम न करे, क्योंकि एक एक फर्द अपनी कौम अपने मुआशरे की तरक्की का जरिया बनता है। मुशक्कत की जिल्लत जिन्होंने उठाई, मुशक्कत की जिल्लत जिन्होंने उठाई, जहाँ में मिली आखिर उनको बढ़ाई। जनाबे आला, जनाबे आला, जिन कौम के अफराद सुस्त हो जाते हैं, ऐसी कौमें तरक्की की मंजिल से बहुत दूर हट जाती हैं और वो कभी भी कामयाबी और कामरानी हासिल नहीं कर सकती। जिन कौम के अफराद अपना वक्त सौ सौ के गवा देते हैं, ऐसे जिन अकवाम के अफराद अपना वक्त सौ सौ के गवा देते हैं, वो कभी भी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकते, क्योंकि किन किन अफराद के हाथ में उनके अकवाम की तकदीरें भी लिखी होती है। बगैर हरगिज़ ना पाई, किसी ने किसी के बगैर हरगिज़ ना पाई, ना इज्जत ना शोहरत ना फरमा रवाई। अभी आला शमशीर अपना अव्वल का उसरा।